अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड सॉल्यूशन पॉइंट टेक्नोलॉजीज। मैं हूं सैयद दानिश। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसक्यूएल कमांड लाइन इंटरफेस डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। आ जाएं, चलें देखते हैं कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक में ना आपको ये एक फोल्डर मिलेगा, डाटा बेस ऐप सॉफ्टवेयर। ओके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोगों ने इधर से वाईफाई ऑफ कर लेना है, उसके बाद ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है। मैंने इधर से वाईफाई ऑफ कर दिया। ओके, उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने ये इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल मैंने किया हुआ है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप लोग इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इस फोल्डर में आ जाना है। इस फोल्डर में जब आप आएंगे तो आप लोगों को ये डिस्क वन के अंदर ना ये देखें सेटअप के नाम से एक पड़ा हुआ है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। ओके, इसमें मैंने डबल क्लिक प्रेस किया, सिंपली आपने यस कर देना है। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट द टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट, और फिर से आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इधर आप लोगों ने एक पासवर्ड इजी सा लगा देना है। मैं 1234 लगा रहा हूँ, आप लोगों ने भी 1234 बेसिक लगा दें। ओके, मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और इंस्टॉल। ये पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है, जो भी आप लोग इधर पासवर्ड लगाएंगे ना। ओके, जब उसके बाद आप लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके, अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है डाटाबेस, ये थोड़ा टाइम लेगा कॉन्फ़िगर करने में डाटाबेस को। ओके, ये देखें, ये हमें हमारी डाटाबेस कॉन्फ़िगर हो चुकी है और इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, अब हमने फिनिश पे जस्ट क्लिक कर देना। ओके, ये आपका जो एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है, ब्लैक कमांड लाइन इंटरफेस वाला। ओके, इसमें अगर अभी आप सर्च करें तो शायद आ जाए। ओके, ये देखें मैंने एसक्यूएल लिखा और ये आ गया। आप लोगों का भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग रिस्टार्ट करके एक दफ़ा अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट वगैरह करके चेक कर सकते हैं। ओके, ये देखें ये मेरे पास आ चुका है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, एक स्टेप बैक आना है। ओके, एक स्टेप बैक आके ये जो कनेक्शन ओरेकल के नाम से फाइल पड़ी है, ओके, इसको आपने इधर से लेके इसको कॉपी करना है। ओके, कंट्रोल सी, मैं कॉपी करता हूँ। कैसे कॉपी कर लिया, इतना ये चीज़, और आपने इधर आके पेस्ट कर देना। ओके, ओके, अब आप लोगों का एचआर ही एडमिन होगा और एचआर ही पासवर्ड है। ओके, तो अब हम इसको क्रॉस करते हैं। ओके, और एक दफ़ा और आप लोग देख सकते हैं, देखें कौन एचआर और एचआर, ये देखें कनेक्टेड हो गया। और अब आप लोग अपनी एसक्यूएल की कोडिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कमांड लाइन इंटरफेस आप लोगों को ये पसंद नहीं है तो आप लोग GUI वाला यूज़ कर सकते हैं, इनका सॉफ्टवेयर वो भी यही सेम ही काम कर रहा है, बट वो इससे ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप लोगों को आसानी होगी, सारा बैकएंड पे जो टेबल्स वगैरह बने हुए हैं सारे आप लोग वो ईजीली यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़।